हेलो फ्रेंड्स, क्रोचेट क्रोशिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए उर्दू हिंदी में बहुत ही प्यारा और सिंपल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपको पेंट का तरीका सिखाऊंगी, रोम्पर पेंट और सादा पेंट किस तरह बनाया जाता है। पार्ट वन में मैंने आपको स्वेटर का तरीका सिखाया था, आज मैं आपको इसके साथ रोम्पर पेंट का तरीका सिखाऊंगी। इसका साइज मैंने 3 से 6 मंथ की बेबी का साइज बनाया है। इसकी टोटल लेंथ जो है 17 इंचेस है, ऊपर से नीचे तक टोटल 17 इंचेस इसकी लेंथ है। स्वेटर की लेंथ 10 इंचेस और ये सेट मैंने 3 से 6 महीने की बेबी के साइज का बनाया है। इसके साथ मैंने सिंपल हेड बनाई है। इस पैटर्न का, इस डिज़ाइन का रिटर्न पैटर्न आप मेरे ब्लॉग पे, वेब पेज पे देख सकते हैं। आप इसके बारे में मुझे फेसबुक पे भी SMS कर सकते हैं, कमेंट में भी आप इसके बारे में, या किसी और मेरे डिज़ाइन जो आपको समझ नहीं आती आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जल्द से जल्द जवाब मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर इसके बारे में बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रोम्पर पेंट किस तरह बनाया जाता है। रोम्पर पेंट या सादा पेंट दोनों एक जैसा हम बनाते हैं। कभी कभार हम पेंट को यहाँ से स्टार्ट करके नीचे ले जाते हैं और यहाँ से कभी हम स्टार्ट करके ऊपर तक ले आते हैं। इस पेंट को मैंने नीचे से स्टार्ट किया है और यहाँ ऊपर तक मैंने इसका डिज़ाइन बनाया है। ये फ्लैप का हिस्सा अगर सादा पेंट में आप नहीं बनाना चाहते तो ये हिस्सा आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पर इसकी बैंड थोड़ी सी बनाएं, बैंड की पट्टी बनाएं और इसको फिर सादा पेंट के लिए छोड़ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रोम्पर पेंट या सादा पेंट किस तरह बनाते हैं। एक लेग पार्ट हमारा मुकम्मल हो चुका है, अब हम दूसरा लेग पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसको हम यहाँ बॉटम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ इसमें हमने टोटल 21 राउंड कर लिए हैं, 21 राउंड हमने इसमें कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ वाइड से हम स्टार्ट करेंगे। 35 चेन बनाएं, लूप बनाएं इस तरह और 35 चेन बनाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
चार, फोर चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, पहला डबल क्रोशिया चौथे चेन के अंदर बनाएं, इस तरह ये तीन चेन भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, हर चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं, हर चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं, इस तरह कंटिन्यू रखें और हर चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं। यह हमारा पहला राउंड मुकम्मल हुआ। राउंड टू चेन वन बनाएं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, टर्न करें और यहाँ पहले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, इस तरह पहले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं, यहाँ एंड में हम एक स्टिच को बढ़ाएंगे, हर राउंड के यहाँ हर राउंड के आखिर में हम एक स्टिच बढ़ाएंगे, हम ऊपर तक जितने भी राउंड करेंगे हर राउंड में
हर राउंड के एंड में हम एक स्टिच बढ़ाएंगे। इसी तरह कंटिन्यू रखें, हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं। राउंड टू के एंड में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्टिच को हम एक स्टिच का इजाफा करेंगे, यहाँ हम एक स्टिच बढ़ाएंगे। हर राउंड के एंड में हम इस तरह दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे, दूसरा कलर यहाँ पर हम लगाएंगे। हर दो राउंड के बाद कलर चेंज करें, चेन बनाएं, टर्न करें, पहले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, यह हमारा पहला स्टिच, पहले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं। कलर चेंज करें, धागे को काटे नहीं, उनको हम इसी तरह आगे ले जाएंगे। हर दो राउंड के बाद कलर चेंज करेंगे, हर राउंड में, हर राउंड के एंड में हम यहाँ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह कंटिन्यू रखें, हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, यहाँ आखिरी स्टिच के अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएं, एक और ये दो, इस तरह चेन वन बनाएं, टर्न करें, पहले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं, हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं। राउंड फोर से 21 तक इसी तरह कंटिन्यू रखें, हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं, यहाँ एंड में दो डबल क्रोशिया बनाएं, हर दो राउंड के बाद कलर चेंज करें, इसी तरह आगे कंटिन्यू रखें। ये हमारे दोनों लेग पार्ट मुकम्मल हुए, इसमें हमने 21 राउंड कर लिए हैं। अब यहाँ से हम राउंड 22 स्टार्ट करेंगे और दूसरा लेग राउंड 22 में हम इसके साथ जोड़ेंगे। राउंड 22 चेन वन, पहले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं, हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं, यहाँ पर एंड में हम दूसरा लेग उठाएंगे और इसके साथ जोड़ेंगे। हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं, आखिरी स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं। इस तरह ये हमारे 22 राउंड हो गए। अब यहाँ से हम जहाँ पर हमने दूसरे लेग को छोड़ा था 21 राउंड पे, अब यहाँ से हम उल्टा करके इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, दूसरे लेग पार्ट को जोड़ें इसके साथ, यहाँ पहले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, इस तरह, इस तरह हमने दोनों लेग पार्ट को जोड़ दिया। अब आगे हम हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, यहाँ एंड तक हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं। ये हमने दूसरे लेग में भी राउंड 22 मुकम्मल कर लिया। अब यहाँ हम जिस तरह हमने यहाँ इसको जोड़ा था, अब इसको हम यहाँ पहले स्टिच के अंदर बंद करेंगे। इस तरह
ये हमारे दोनों लेग पार्ट आपस में हमने इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ से हम ऊपर इसी तरह काम करेंगे जैसे हमने यहाँ किया है। हर दूसरे दो राउंड के बाद कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने इसका धागा काट दिया, ये दोनों लेग पार्ट हमने जोड़ दिए। अब यहाँ से हम दूसरा कलर ऊन लेंगे। यहाँ पहले स्टिच के अंदर यहाँ से हम राउंड स्टार्ट करेंगे, चेन बनाएं, पहले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं। इस तरह हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं। यहाँ हमने हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर पहले राउंड को हम स्लिप स्टिच से बंद करेंगे, ऐसे स्लिप स्टिच से बंद करें और यहाँ चेन वन बनाएं और यहाँ इस तरह टर्न करें। हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं। हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं और यहाँ स्लिप स्टिच से पहले स्टिच के अंदर बंद करें और कलर इसको दोबारा हाफ वाइट कलर लगाएं, जिस तरह हमने यहाँ पर हर दो राउंड के बाद कलर चेंज किया था। इसी तरह आगे ऊपर वाले हिस्से में भी हम हर दो राउंड के बाद कलर चेंज करेंगे और हर स्टिच के बाद हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह आगे कंटिन्यू रखें जब तक कि हमारा ऊपर वाला हिस्सा पूरा ना हो जाए। ये ऊपर का पार्ट हमारा पूरा हुआ। यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राउंड्स यहाँ मैंने ऊपर के हिस्से में कर लिए। इसकी लेंथ जो है टोटल 6 इंचेस और यहाँ की लेंथ जो है हमने 8 इंच रखी हुई थी। यहाँ से हम इसमें स्टिचेस डिवाइड कर लेंगे। यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टिचेस को छोड़ के यहाँ इस स्टिच में हम ऊन डालेंगे और यहाँ से हम वो बटन की फ्लैप जो है वो बनाएंगे। सात स्टिच को हम यहाँ पर छोड़ेंगे और 7 स्टिचेस को हम इस तरफ छोड़ेंगे। चेन वन डबल क्रोशिया इसी स्टिच के अंदर बनाएं। अगले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं। हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं। हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं और यहाँ पर 7 स्टिचेस को हम छोड़ेंगे दोनों तरफ। यहाँ इसमें हमने 35 डबल क्रोशिया बना लिए। सेंटर में 7 स्टिचेस को इस तरफ छोड़ा है और 7 स्टिचेस को हमने इस साइड पे छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम टर्न लेंगे, टर्न करें, पहला स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएं। इस तरह हम एक स्टिच इस तरफ और एक स्टिच यहाँ पर हम छोड़ेंगे और आगे हम काम को कंटिन्यू रखेंगे। हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं। यह हमारा फ्लैप का दूसरा राउंड है, राउंड टू। आगे हम राउंड टू की तरह काम करेंगे। पहला और आखिरी स्टिच छोड़ के दरमियान के स्टिचेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं। यहाँ एंड में हम दो स्टिचेस को इकट्ठा लेंगे, दो डबल क्रोशिया टुगेदर हम इस तरह लेंगे। यानी एक स्टिच को हम इस तरह काम करेंगे आखिर में, जिस तरह हमने यहाँ एक स्टिच को छोड़ा हुआ था। अब यहाँ पर हम
डबल क्रोशिया, दो एक साथ लेंगे, इस तरह हमारी एक स्टिच कम हो जाएगी। पहले स्टिच के अंदर इस तरह बनाएं और फिर दूसरे स्टिच के अंदर इस तरह आधा डबल क्रोशिया बनाएं और उसको एक साथ लें इस तरह। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे, यहाँ से हम कलर को चेंज करेंगे और आगे हम इसी तरह राउंड टू की तरह काम को कंटिन्यू रखेंगे। टर्न करें, पहला स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएं, हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, दो राउंड्स के बाद कलर चेंज करें, एंड तक इसी तरह काम करें। हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएं, यहाँ दो स्टिच को एक साथ लें जिस तरह हमने यहाँ एंड में किया था, इस तरह इस राउंड टू को आगे कंटिन्यू रखें और फ्लिप बनाएं। ये दोनों साइड का फ्लिप हम एक जैसा बनाएंगे। यहाँ पर सेम स्टिच के अंदर हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे जिस तरह हमारा दोनों साइड एक बराबर होंगे। दोनों साइड पे एक जैसा काम करें, फ्रंट और बैक के फ्लिप को एक जैसा बनाएं। सेवन स्टिचेस को यहाँ पर छोड़ें और सेवन स्टिचेस को यहाँ जिस तरह हमने दूसरे साइड पे काम किया है। ये हमारे दोनों साइड के फ्लिप बन गए। इसमें हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ राउंड कर लिए, दोनों साइड के फ्लिप बन गए इस तरह। अब यहाँ से हम इसका किनारा बनाएंगे। यहाँ से हम पिंक कलर का ऊन लेंगे, चेन बनाएं, हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएं, सिंगल क्रोशिया हर स्टिच के अंदर बनाएं, यहाँ आखिरी स्टिच के अंदर दो सिंगल क्रोशिया बनाएं, एक और ये दो, हर स्टिच के अंदर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएं, यहाँ से क्रॉस करके फिर यहाँ से हम हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे फ्लिप पे सिंगल क्रोशिया बनाएं, यहाँ ऊपर से क्रॉस करके यहाँ से भी क्रॉस करके हम यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। ये रोम्पर हमारा पूरा हो गया। दोनों साइड से हमने इसके गोल सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम इसके लिए बटन बैंड बनाएंगे, जो हम यहाँ पर शोल्डर के लिए इसके दूसरी तरफ सियेंगे और यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसकी बैंड की पट्टी किस तरह बनाते हैं। इसके लिए हम 30 चेन लेंगे, 30 चेन बनाएं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 30 चेन बनाएं। ये हमारे 30 चेन बन गए, 30 चेन। वैसे तो हम यहाँ पर क्रोशिया बनाते हैं, हर चेन के अंदर क्रोशिया बनाते हैं। अब यहाँ इसके पीछे साइड पे जो यहाँ चेन नज़र आती है हम इसके अंदर काम करेंगे, तो इससे ये हमारी जो एज है यानी किनारा है वो साफ और नीट आएगा। इसके लिए हम पीछे के साइड इस लूप में जो है थर्ड लूप पीछे के बैक साइड के लूप में हम सिंगल क्रोशिया दूसरे चेन के अंदर बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएं। इसी तरह ये आगे फ्रंट दो लूप छोड़ के पिछले बैक साइड के यहाँ थर्ड लूप के अंदर काम करें, हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएं इस तरह, थर्ड लूप के अंदर यहाँ पीछे की तरफ हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएं, हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएं।
पहला राउंड हमारा बन गया। हर चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, राउंड टू चेन बनाए। ये चेन वन हम इसमें काउंट करेंगे, पहला स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाए। हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाए। राउंड टू हमारा पूरा हो गया। राउंड थ्री चेन बनाए, पहला स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाए। यहाँ हम बटन होल बनाएंगे, बटन के लिए छोटा सा हम ये सुराख बनाएंगे। इसके लिए दो चेन लें, नीचे एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाए। ये तीन राउंड हमारे पूरे हो गए। राउंड फोर चेन बनाए, इसी तरह हर पहला स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाए। इसमें हम टोटल पांच राउंड करेंगे। यहाँ हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाए और इस चेन स्पेस के अंदर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाए और लास्ट में दो सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके बाद टर्न करें और हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाए। इसमें हमने टोटल फाइव राउंड किए हैं, पांच राउंड बनाए। यहाँ हम क्रोशिया की मोटी सुई की मदद से इसकी सिलाई करेंगे। ये देखें, ये हमारी पट्टी है। इसको यहाँ कॉर्नर स्टिच के अंदर ऐसे स्टार्ट करें और यहाँ से इसकी सिलाई कर दें। हर स्टिच के अंदर सुई डालें और इसकी सिलाई करें इस तरह। इस तरह इसकी सिलाई कर दें। अब हम पैंट की यहाँ नीचे इसकी सिलाई करेंगे। ये थोड़ा लंबा ऊन डालें सुई में और यहाँ ये कफ जो है इधर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे, फिर अक्रॉस करके यहाँ तक ले आएंगे। दोनों को इस तरह सेम पकड़ें और सुई की मदद से इसकी सिलाई कर दें। इस तरह इसकी सिलाई कर दें। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिलाई कर दें। दोनों को इस तरह साथ पकड़ें, कलर दोनों एक साथ आने चाहिए। इस तरह दोनों साइड से देखें और इसकी सिलाई मुकम्मल करें। ये हमारे पैंट की सिलाई मुकम्मल हुई। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के दो राउंड कर लिए हैं। यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया के दो राउंड करेंगे इस तरह। यहाँ ऊन डालें, चेन बनाएं। हर चेन के अंदर, हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएं। सिंगल क्रोशिया हर स्टिच के अंदर बनाएं। हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएं और यहाँ पहले स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच से बंद करें। हर स्टिच के अंदर हमने यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ पहले स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच से बंद करें। चेन बनाएं, इसी स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएं। हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएं। इस तरह
राउंड मुकम्मल करें। हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएं और यहाँ पहले स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच से बंद करें। यहाँ हमने टू बटन्स लगाए हैं, ये देखें हमारा रोमपुर मुकम्मल हो गया। इस तरह टू बटन्स लगाएं।